सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि देश में सबको समानता का अधिकार है, समाज की सोच बदलने की जरूरत है। अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, कोई भी अपने व्यक्तित्व से बच नहीं सकता है। समाज में हर किसी को जीने का अधिकार है और समाज हर किसी के लिए बेहतर है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता को क्रिमिनल एक्ट बता चुका है, जिसको दोबारा चुनौती देते हुए क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। दरअसल आईपीसी में समलैंगिकता को अपराध बताया गया है। आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ सेक्स करता है, तो इस अपराध के लिए 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास से दंड किया जाएगा, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और ये गैर जमानती है। सबसे पहले साल 1290 में इंग्लैंड के फ्लेटा में अप्राकृतिक संबंध बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद पहली बार कानून बनकर इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। बाद में ब्रिटेन और इंग्लैंड में 1533 में बकरी एक्ट बनाया गया और इसके तहत फांसी का प्रावधान किया गया। 1563 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने इसे फिर से लागू कराया। 1817 में बकरी एक्ट से ओरल सेक्स को हटा दिया गया और 1861 में डेथ पेनाल्टी का प्रावधान भी हटा दिया गया। 1861 में ही लॉर्ड मिकाले ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी ड्राफ्ट किया, उसी के तहत धारा 377 का प्रावधान किया गया। LGBTQ समुदाय के तहत लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर आते हैं। कौशल कुमार, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।